आज़ादी बाकू 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 जिंदाबाद सलाम सलाम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शेप टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम भाई खड़ा हुआ है बाकू अज़रबैजान में और अज़रबैजान में हमारे साथ हैं मौलवी साहब। क्या हाल है मौलवी साहब? मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हुसनैन मेरे साथ है। हुसनैन को आप लोगों ने देखा होगा मेरी पहली और आखिरी टर्की सीरीज़ में, 2019 की बात है, 2019 में नहीं, 2019 और 2019 एक ही होते हैं जी। अच्छा, और हमारे साथ हसन है। क्या हाल है? ठीक है। कैसा लग रहा है अज़रबैजान? सही है। मेरा भाई जान, हुसनैन भाई जान, हसन भाई जान, सब भाई इस टाइम आज़र भाई जान। बाकू में इस टाइम हम लोग खड़े हैं एक बड़े खूबसूरत व्यू पे, पीछे सारे बाकू की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इधर से कैस्पियन सी नज़र आ रहा है। और बाकू दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा कैपिटल है जो बिलो सी लेवल एग्जिस्ट करता है दुनिया में। ये तकरीबन 28 मीटर सी लेवल से नीचे है ये पूरा शहर। और इस टाइम हम लोग खड़े हुए हैं बाकू के एक बड़े खूबसूरत व्यू पॉइंट पे, हाईलैंड रिजॉर्ट इसका नाम है। और यहाँ से नज़र आती हैं फ्लेम टावर्स जो कि बाकू का एक बड़ा लैंडमार्क है, बड़ा एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। कोई भी बंदा आए वो इसके सामने खड़ा होकर तस्वीर ना लगाए तो कोई मानता नहीं है मैं बाकू आया था, वो बेशक कसम उठा ले। आज पूरे दिन में हम लोग बाकू का कुछ खाना एक्सप्लोर करेंगे, कुछ इसकी जगह एक्सप्लोर करेंगे। क्या मौलवी साहब प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या है यहाँ पे बाकू में? जो मेन 5-6 जगह हैं वो तो वॉकिंग पर ही है ना। ठीक है, सेंटर से जिस जगह पे हम निज़ामी के पास सी पॉइंट है, हाईलैंड पार्क जहाँ पे हम अभी आ चुके हैं, उसके बाद फ्लेम टावर हैं, डेनिस मॉल है, ठीक है, और इचारी शहर ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद अचार मिलता है? नहीं नहीं, इचारी शहर वो ओल्ड सिटी को इचारी शहर कहते हैं। अच्छा, स्टेशन मेट्रो स्टेशन है और बाउंड्री के अंदर एक सिटी है पुराना, उसको इचारी शहर कहते हैं। बेसिकली बाकू जो है ये मिक्सचर ऑफ रशियन बिल्डिंग्स और रशियन एरा और जरा रशियन कल्चर, प्लस इसके अंदर एक ईरानियन टच है क्योंकि ईरान के साथ इनकी कोई पीछे से लिंक होती है हिस्ट्री। ईरान के साथ बॉर्डर है ना, ईरान के साथ बॉर्डर है बेसिकली अज़रबैजान वो इस तरह से है जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ करते थे। अभी जो ईरान का इसका बॉर्डर है वो इस लैंड के साथ जुड़ता नहीं है, सही है? वहाँ फ्लाइट लेके जाना पड़ता है। उस जगह का क्या नाम है? ईरान का भी सिटी नक्शवान है और अज़रबैजान का सिटी, मतलब कम्बाइंड सिटी है, दोनों कम्बाइंड सिटी है, सेंटर में बॉर्डर है। ठीक है, और वहाँ जाने के लिए नक्शवान से पीछे कौन सा मुल्क है जो क्रॉस करना पड़ता है फ्लाइट? आर्मेनिया। ठीक है, यहाँ पे आर्मेनिया का बॉर्डर लगता है, उसके आगे नक्शवान है जो कि ईरान का भी है और अज़रबैजान का भी है। तो बड़ा ये बड़ी एक डीप किस्म की हिस्ट्री है, लेकिन मुल्क इतना पुराना नहीं है ये। इचेरी शहर में हम लोग वॉक करते करते अपने पहले स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है सहरली तांदीर। सहरली तांदीर इचेरी शहर के अंदर जो बेस्ट ब्रेकफास्ट है वो सहरली तांदीर का है। इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक माहौल बनाया हुआ है, मतलब आपको बाहर देख के लगता है कि अच्छा कोई यूरोपियन टच है, लेकिन बड़ी ओल्ड वाइब के साथ है, एंशियंट साइड पे बिल्डिंग्स, मतलब ये पूरा बाकू ही बहुत मिक्स टाइप है। आपको एकदम से लगता है मैं कहीं कोई यूरोपियन टाइप चीज़ देख रहा हूँ, एकदम से आपको लगता है कि मैं पता नहीं कोई 300-500 साल पुरानी किसी जगह पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे अंदर, बड़ा एक इन्होंने अपना कल्चरल टाइप सा माहौल बनाया हुआ है, और वहाँ बैठ के इनके साथ कावल्ती बेसिकली टर्की में बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं नाश्ते को, क्या बता रहे थे सुबह? सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम सलाम चाचा, तंदूर आउट ऑफ स्टॉक? तंदूर रिमोट। ओके ओके, तंदूर 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 तंदूर, बंद बंद तंदूर, बंद क्लोज। सलाम भाई बशीर। प्रेसिडेंट अज़रबैजान पुतिन 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 एंड यू ओए होए होए, प्रेसिडेंट अज़रबैजान एंड पुतिन, और साथ में खड़े हैं चिचा इस तरफ। चिचा यू आर फेमस। ओ लो जी, यहाँ पे एक और तस्वीर हमें मिली है इस भरपूर दीवार पे जिसमें चिचा इज विद हमारे सेकंड चिचा एंड चिची। तंदूर और ये दारी और तो चेक आज। ओके 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 ओके, चिचा हमें लेके जा रहे हैं अपने तंदूर पे दिखाने के लिए कि हमारी ब्रेड्स और ये वो चीज़ें कैसे बनती हैं। ये इनका किचन है मुझे लगता है। सलाम 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 ब्रेड ब्रेड खूब खूब खूब। यहाँ बन रही है जी लाइव
अजरी ब्रेड, ओए होए होए होए, वेरी फ्लफी। और ये आंटी ने इसके ऊपर सेसमी बॉटल को बना के रखा हुआ, बोल गया ओ गया तंदूर। ओए होए होए आंटी, हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाया आंटी ने। सेकंड ब्रेड, ओए हो यार कितनी फ्लफी है ये। हाँ जी चीचा जी, अजरी अजरी बाकू, अजरी बाकू 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 जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकू जिंदाबाद, पाकिस्तान 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 कारदाश, कारदाश मतलब ब्रदर्स, ब्रदर्स कारदाश कारदाश कारदाश। अच्छा ये लग रही है यहाँ पे ब्रेड, और ये देखने में बिल्कुल जिस तरह हमारे कंधारी नान होते हैं उस टाइप की चीज़ें, खा के पता लगेगा कि क्या है। और एक आंटी वहाँ पे धड़ाधड़ ब्रेड लगाती जा रही हैं, और यहाँ पे भी ब्रेड लगे हुए हैं, और ये तो इस तरह लग रहा है जिस तरह स्लो कुक्ड हो रही है, बिल्कुल हल्की सी आग चल रही है और नान बस लगे हुए हैं अंदर। चूल्हा, असल में अभी ये सुबह सुबह का टाइम तो इतना ज्यादा रश नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अभी फिलहाल इनकी ब्रेड्स लग रही हैं। शाक्षुका शाक्षुका ईटम ईटी, ओहो मजेदार माहौल थे, मिठे चौल, क्या नाश्ते ही आ गया। संदेश किशमिश चीन एंड फलाउला, किशमिश नो मिशमिश मिशमिश सोटीन एंड फ्रूट 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 अजरबैजान नेम कलबसा कलबसा या कलबसा, क्योंकि आपको पता है किचन रेड इज मस्ट, पाकिस्तान हो थाईलैंड हो या अजरबैजान हो। सलाम 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 सलाम, ओहो हो हो हम आ चुके हैं किचन में, और चाचा जी सलाम, चाचा जी आज खुद बना रहे हैं हमारे लिए अंडे। एक मैंने किया स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टमेटोज, तो ये पूरे इसके अंदर टमेटोज आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने कचूमर बनाया है सारा टमाटरों का, अब इसमें ये डालेंगे अंडे। एक ऑर्डर हमारा वो बन रहा है स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टमेटोज, और एक ये बन रहा है तवा कबाब वाला, ये लैम्ब कबाब बन रहा है यहाँ पे, आंटी इसको बनाएंगी तवे पे और उसको ऐड करेंगी अंडों के साथ। ओए होए 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 होए, ये आए जी अंडे, इन्होंने पहले ही निकाल के रखे हैं अंडे वंडे। ओए होए 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 होए, ओए होए होए, अंडों से चाचू उसको फुल कर रहे हैं। फसाली फसाली ब्रेड पराठा पराठा ऑयल ब्रेड। अजरी नाश्ता बनते हुए देख रहा हूँ मैं, और एकदम मतलब आपको फील आती है कि बहुत ही हाइजेनिक, बहुत ही फ्रेश, और एक जिस तरह हेल्दी चीज़ें आप बनती हुई देख रहे हो ना। वो आंटी ने सॉसेज पाते, ये दूसरा अंडा बनने लगा है हमारा, और नीचे से सॉसेजेस इसको फैलाएंगे और इसके अंदर डालेंगे ऑयल। उससे कम का भी शेक हो गया, अंडे के अंडे के, ओए 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 ओए, सॉसेजेस के अंदर अंडा डाल रहे हैं, ये टोमेटो एक साइड पे और आ रहे हैं, इसको जरा ऐसे ऐसे कर देते हैं, इस तरह ज़्यादा अच्छा बनता है। क्या बात है, टमाटर बहुत यूज़ करते हैं ये हर चीज़ के अंदर। ये देखो कबाब वाली जो डिश बन रही है उसके अंदर भी टोमेटो जा चुके हैं। बोन अपीटिट, ओके रेडी रेडी, ओके जी हम हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अंडे दे विच अंडा सादा तो आपा पकाना ही नहीं ना, अंडे में कुछ ना कुछ डालना है, सॉसेजेस टमाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ओके यस लाइक दिस चेक करना आज कितना सॉस है। अरे हाय हाय सॉस है, ओके ओके ओके, क्या बात है चाचा। नाश्ते की टेबल हमारे पास भर चुकी है, मेरे मुंह पे इतनी जो रोशनी आ रही है, यहाँ पे सामने विंडो है तो वहाँ से डायरेक्ट धूप आ रही है, और इसमें मैंने टेबल फोल्ड करवा ली है। सबसे ये एक डिफरेंट चीज़ है, लस्सी जो यहाँ पे पीते हैं ये लोग, ये होती है मिंट लस्सी, जिस तरह मिंट मार्गरीटा बनता है ये मिंट लस्सी बनाते हैं, बट वो ग्रीन नहीं होती। इसको चेक करते हैं मीठी है या नमकीन है। ओह ओए होए मिंट मार्गरीटा लस्सी, खट्टी नमकीन लस्सी है लेकिन प्रॉपर एक फील आ रही है मिंट मार्गरीटा की। अच्छा जी मेरे पास इस टाइम है फसेली,
फसेली जो रोटी है इनकी हमारे पराठे की तरह बनती है तवे के ऊपर लेकिन बहुत छोटी सी है। उसके अलावा हमारे पास हैं तवा कबाब विद ऑमलेट, उसमें भी टोमेटो डाला हुआ है, लैम्प कबाब डाला हुआ है, ऊपर धनिया शनिया डाला हुआ है, साथ में हमारे पास स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं विद टोमेटोज, उसके अलावा सॉसेजेस हैं विद टोमेटो विद एग्स, उसके अलावा ऑलिव्स हैं, उसके अलावा चीज़ है, इनकी एक स्पेशल क्रीम है, विलेज क्रीम बोल रहे हैं इसको, बड़ी डायरेक्ट आई हुई। उसके अलावा इस तरफ ये मुरब्बे टाइप पड़े हुए हैं। ये आ गया जी इनका स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोमेटोज, और अब इसका तरीका ये है कि ये आपने नान तोड़ना है जो हम देख रहे थे, और नान बड़ा सख्त हो चुका है। ओ बड़ी ज़रा कुल्हाड़ी लेके आना मौलवी साहब, चल हाँ हाँ हाँ। नान को तोड़ के और इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा और टमाटर्स, टमाटर्स एंड अंडाज, ओए होए 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 ओए होए। ये तो मुझे लगे मैंने कुजीन ही वो खाई है जो अफगानी खाने होते हैं ना, जिस तरह कंधारी नान और वो टमाटर वाली कढ़ाइयाँ होती हैं, बट आप समझो कि ऑयली नमकीन से टमाटर हैं और साथ में उसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स आ रहे हैं, एक प्रॉपर हल्का सा अंडे का टच नॉर्मल सा आ रहा है, साथ में टमाटर का ज़्यादा आ रहा है। और वो जो ब्रेड है वो तोड़ने में मुझे सख्त लगी थी, लेकिन वो तो ऐसे मतलब मुँह में जाके सही घुल मिल गई है वो। सेकेंड हमारे पास है जी कबाब, जिसके अंदर लैम कबाब है और साथ में वही अंडा इन्होंने बनाया हुआ है, साथ में टमाटर हैं। लैम कबाब तोड़ते हैं, आंटी ने पहले तवे पे लैम कबाब को फ्राई किया था और फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर टमाटर और वो चीज़ें ऐड की थी। ओ हो हो हो, हैवी बाइट, ओ हो 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 हो, सारे जी ना आ खाओ, ओ हो, नेक्स्ट लेवल लैम कबाब इतना मज़ेदार बना हुआ है। वो एक चीज़ होती है ना मुंह के अंदर जाते ही उसने ऐसे फ्लेवर्स छोड़ दिए, प्रॉपरली सॉल्टी क्रिस्पी आउटसाइड और एक प्रॉपर मीट टेक्सचर, जो जूसी मीट का टेक्सचर आता है। भाई बना रहे एक एक्स्ट्रा ही जम्बो बाइट, ओए होए 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 होए, ये इस तरह प्रॉपर टमाटर शमाटर लटकते फिर रहे हैं, बहुत बड़ी बाइट मैंने बना ली है, कहानी कैसे। ओए होए होए, जूसीनेस इज एट इट्स पीक, मतलब उसको मुंह में डाल के ना ऐसे बाइट ऐसे मुंह में रखते ही ऐसे जूस फैलता है, फ्लेवर्स फैलते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल यार। एक मीट टेक्सचर विद एग विद टोमेटो और साथ में ये धनिया का हल्का सा और थोड़े बहुत नमक मिर्च मसाले डाले में, वाह। अच्छा ये वाला जो अंडे की नस्ल है ये अम्मी घर में बनाती रहती हैं, तो ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ ये तो मैंने बहुत खाया हुआ है। सॉसेजेस डाले, अंडा डाला, उसको मिक्स किया, इस तरह बनता भी बहुत मज़े के, आप इजीली घर में अक्सर लोग बनाते भी होंगे मुझे पता है, मज़ेदार प्रॉपर फ्लेवर्स इनके सॉसेजेस बहुत जूसी टाइप हैं, तो वो एक फ्लेवर मिक्स हो रहा है, मज़े का लग रहा है। मज़े का है बड़ा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सबसे मज़े का मुझे ये कबाब वाला लगा, सबसे मज़े का शो स्टॉपर ये सॉसेजेस वाला और जो मैट्रिस वाला तो टर्की में भी है। हाँ वो सेम है, हाँ ये डिफरेंट चीज़ है, असल में ये थीम टर्की का ही है ना, ये टर्की में इस तरह अंडे मिलते हैं। देन हमारे पास है जी अजरी चाय, जिसके बगैर आपका नाश्ता कंप्लीट हो नहीं सकता। अजरी चाय इस तरह ये सर्व की इन्होंने, साथ ये ग्लास देते हैं और ग्लास के अंदर आपको अजरी चाय डालनी होती है, सिमिलर टू टर्किश टी लेकिन टेस्ट में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कलर में ऑलमोस्ट ये टर्किश टी है। तशक्करू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हबीबी, शुक्रान शुक्रान, तशक्करू। यहाँ पे हमारा बिल बना है 61 मनात, 61 मनात का मतलब होता है ऑलमोस्ट कोई 7,000 पाकिस्तानी या 7,500, तो नाश्ता महंगा है थोड़ा। ये कौन सा एरिया? ये निजामी के बिल्कुल साथ है, साहिल साहिल साहिल, हम लोग इचेरी शहर से वॉक करते करते साहिल वाली साइड पे आ चुके हैं, मतलब साहिल एक एरिया का नाम है, निज़ामी एक एरिया का नाम है, इचेरी एक एरिया का नाम है, और बाकू इतना सा है कि मैं पूरा जेब के अंदर डाल सकता हूँ पूरा बाकू इतना सा शहर है, मतलब इचेरी से वॉक करते हुए आप निज़ामी पहुँच जाओ, निज़ामी से वॉक करते हुए साहिल पहुँच जाओ, पूरा सिटी कसम से बाई फुट देख सकते हैं, देखने वाली जगह, नॉट रेजिडेंशियल एरियाज, वो थोड़ा सा पीछे बहुत छोटा शहर है। कितनी आबादी है मौलवी साहब शहर की? 88 लाख सिर्फ बाकू की। पागल हो गए हो, कितनी है ये ज्यादा बता रहे हो, बहुत 88 लाख बनाई बैठे हो, 23 लाख आबादी है सारी, हाँ टोटल आबादी को, हाँ
टोटल आबादी ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन है बाकू की, तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना छोटा शहर है। अभी हम लोग बस ये इसमें वॉक करते फिर रहे हैं, और एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो ढूंढने के लिए मैं ज़रा देख रहा हूँ कि वो किस तरफ है। अब ये देखो, ये अजीबो गरीब सा शहर है, ये बीच में बड़ी बड़ी मतलब इनकी मेन टाउन है, ये सड़कें गुजर रही हैं, बीच में बिल्डिंग्स हैं, बीच में ये एक छोटा सा पार्क है। देखने में बंदे को लगता है पता नहीं ये जिस तरह मेरे मोहल्ले का कोई पार्क है बीच में ही, ये पूरा मेन सिटी है ये। मौलवी साहब कौन सा, ये वाला? फिसिनकान लिखने में, वरना फिनजान इसको बोलते हैं। अभी ये मैं यहाँ पहुँचा कैसे हूँ, एक तो मैंने अभी एक लोकल से पूछा कि यार बेस्ट मुझे बता कि यहाँ पिलाव कहाँ से मिलता है, क्योंकि पिलाव एक अजरी बड़ी मशहूर वाला डिश है। मशहूर फिश है। फिश नहीं मौलवी साहब, फिश नहीं। हाँ मशहूर पिलाव। तो ये यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है ना, वो मोस्टली या तो आपको मिलेंगे प्रॉपर रेस्टोरेंट, या फिर गलियों के अंदर जिस तरह हमारे ठेले या कार्ट लगते हैं ना, वो उतना एक एरिया लेके ना इन्होंने, जिस तरह ये पीछे अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर बंदे ने, मुझे यही लगता है कि उसने रेंट पे ये जगह दी होगी, और उसमें इन्होंने पोर्टेबल अपना रेस्टोरेंट एक बना लिया, तो वो शीशे लगा के और बड़ा खूबसूरत एक छोटा बार कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप ये बना लेते हैं। तो ये अब देखने में है फैंसी सा, लेकिन यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन मुझे बड़ी स्ट्रांग मिली है एक लोकल बंदे से। ओए होए होए, ये तो पूरा मुँह चुई टिडकू, ये बाहर से लग रहा था एक शीशे का कैबिन सा, अंदर तो पूरा ये रेस्टोरेंट माहौल है, फुल हैवी वाला। चिचा शाबा बेच रहे हो? ओ तोबा तोबा ना उस तोबा। ओए होए, ओए क्या वाइब है यार जगह की। अच्छा, इन्होंने अंदर भी पूरा रेस्टोरेंट मतलब बिल्डिंग इन्हीं की है, बिल्डिंग के बाहर ही वो शीशे वाला सामने आपको कैबिन नजर आ रहा है, वो हसन बैठा हुआ नीचे छोटी सी जगह से नजर आ रहा होगा आपको। अब मैंने तीन चीज़ें मंगवाई हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारे पास है पुलाव विद मटन, और मटन जो बना हुआ है उसमें किशमिश है, खुबानी है, और उसके अलावा दूसरा पुलाव विद वेजिटेबल्स है, वो भी मटन वेजिटेबल्स हैं, मटन डाला हुआ है, लैम्ब यूज़ करते हैं यहाँ पे, लिखा मटन हुआ था, और साथ में इसमें ग्रीन्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें मुझे देखने में मेथी लग रही है, खा के देखूँगा क्या है। तीसरा मैंने एक इनका ये मंगवाया पॉट टाइप है, जिसके अंदर इन्होंने लीवर हार्ट किडनी को बनाया हुआ है, साथ में बेक्ड पोटैटोज़ के, तो वो एक बड़ी मज़ेदार सी डिश लग रही है। सबसे पहले मैं खाऊंगा दोनों चीज़ें साइड पे करके, ट्रेडिशनल पुलाव विद लैम्ब, इसमें सिंपल येलो वाइट से राइस हैं, उसके अलावा इसमें साथ में लैम्ब है, साथ में ये खुबानियाँ पड़ी हुई हैं और किशमिश पड़ी हुई है, ये इनका ट्रेडिशनल अजेरी पुलाव है। अच्छा, खुबानियों के भी दो रंग हैं बीच में, एक बड़ी लाइट येलो सी खुबानी है और एक बड़ी रेडिश सी है, ये खा के ज़्यादा इसका आइडिया होगा। बाइट में एक पूरा लैम्ब का पीस, साथ में खुबानी, साथ में किशमिशियाँ। ठीक है, जिस तरह ग्रेवी वाला लैम्ब होता है, कोई मसालेदार सा लैम्ब, किसी मतलब आप सोचो किसी मसाले में से, किसी कढ़ाई में से उसको अलग किया हुआ है, अलग करके उसके पीसेज यूज़ किए हैं, इस तरह की किसी ग्रेवी में बना हुआ है, और साथ में बहुत ही मीठा खुबानी, प्रॉपर मीठी खुबानी, मीठी किशमिश, तो वो एक अच्छा फ्लेवर अच्छा बना रही है, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम नहीं लगा, दोबारा खा के देखता हूँ। रेड खुबानी खट्टी खुबानी है, दूसरी मीठी अच्छी खासी खट्टी, दूसरी मीठी थी ये प्रॉपर खट्टी, और साथ में ये वाली खुबानी ने ओहो अचार के बाद नहीं पूरे मुंह में जबड़ों में से वो चर हो रही होती, इसने तो लैम्ब का टेस्ट ही ख़त्म कर दिया बीच में से, ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ है जी राइस विद लैम्ब वेजिटेबल, और ये एग्जैक्ट मेथी, खा के पता लगेगा है क्या, और साथ में राइस वही सेम है, सिर्फ वेजिटेबल्स का फ़र्क है, और इसमें पुलाव में काफ़ी नस्लें इनकी जिसमें राइस सेम होते हैं, साइड चेंज हो जाती है, एक होता है फिक्का, फिर उसके बाद आता है फिक्के का अबू, ये वो है, नॉन स्पाइसी, नो फ्लेवर, नो टेस्ट। हाँ ऐसा लग रहा है कि मैं वो पत्ते टाइप खा रहा हूँ और राइस के साथ लगा रहा हूँ, बीच में एक मीट का टेक्स्चर है बस। थर्ड हमारे पास है जी लिवर, इसके अंदर ये जिस तरह कलेजी पड़ी हुई है, उसके अलावा बीच में हार्ट है, बीच में किडनी है, बीच में लिवर है, तो इसको खाने का यही तरीका है कि एक कलेजी का पीस उठा के मौलवी साहब रेस्टोरेंट का क्या नाम था? फिनजान। फिनजान फिनजान
फिंजान को गुंजान हो जाए, पिक जान हो जाए, ये भी पिक है। मतलब एक यार थोड़ा सा बंदा नमक, वही इनके पास नमक खत्म तो नहीं आवा मजाक के अलावा। पिक्का भी नेक्स्ट लेवल, नस्ली, ऐसे नस्ली पिक्का। लेकिन ये देखने में, हाँ देखने में ऐसे लग रहे हैं जिस तरह वो लैम्ब फैट होता है ना, आगे उस एक्सपेक्टेशन के साथ खाओ के आए पिकड़। मौली साहब मीट ढूंढ रहे हैं, मैं कहा मौली साहब सब्जियां ही छड़ियां असी गोसत भावे पिक्का होवे छड़ीदा नहीं। नहीं इतना वैसे कैसे पसंद आ गया तुझे? उड़ाई गया सही, मतलब सही लगा है। मैं वो बहुत कोई खास चीज नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठीक था, मतलब अच्छा था, डिफरेंट था। हाँ मतलब पिक्का था। अब तो आदत हो गई है मुझे पिक्के खाने की। आपको तो वाकई आदत हो गई होगी, डेढ़ महीना हो गया पिक्के खाने की आदत हो गई। ओके अभी हिसाब बिल को बोलते हैं हिसाब और फ्री को बोलते हैं हदिया। सुबह जहाँ पे हमने नाश्ता किया वो चाचू आगे कहते हदिया हदिया, मैं कह नहीं चाचू, कहते नहीं हदिया, मैं कह नहीं, चाचू ने साथ ही ला के 7,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया। ये कह देना हदिया, इसको मैं हदिया कर भी दूंगा। अभी अभी तशक्कुर ले, तशक्कुर ले या तशक्कुर, व्हाट तशक्कुरलार, तशक्कुरलार, तशक्कुरलार। बिल हमारा बना है जी, कितने हसन कितने बने? 42.6 मनात बिल बना और 43 उन्होंने रख लिए। अच्छा ऊपर वाले ये ना आने नहीं वापस करते, हाँ, थोड़े करके चंगे पैसे बना लेते हैं। ये 42.6 मनात का मतलब है कि बिल हमारा था 5,500 ऑलमोस्ट 5,500। अभी फिर से हम लोग जाएंगे इचेरी शहर, क्योंकि इचेरी शहर में शाम में भी देखना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत एक वाइब वाली वो जगह थी। सुबह हम फिरते रहे, अभी भी बाय वॉक जा सकते हैं लेकिन हम करवाएंगे बोल्ड। मैंने इचेरी शहर जाने के लिए करवाई है बोल्ट बिजनेस और उसमें हमारे पास आई है मर्सिडीज बेंज वीटो। और कितने में आई है? 3 मनात पाकिस्तानी 350। वो चाचू 350 जी मर्सिडीज पाई खड़ा है तेन। ओए ना छेड़ो उसकी गाड़ी। राइड जरा महंगी पड़ गई। उसने कहा तुम बेटा 3 का सोच के आए हो। जब मैंने बोल्ट करवाई है तो वहाँ पे आ रहा था 3 मनात और हमेशा उतने ही बनते हैं जितने आ रहे होते हैं, लेकिन एंड पे आके वो कहता कि मेरे फ़ोन पे 18 मनात शो रहा है तो आप 18 दो। अब पता नहीं उसने सही कहा या नहीं सही कहा। मतलब ये एंशियंट सिटी लगता है आपको प्रॉपर। यहाँ से मुझे इजिप्ट वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब पूरे शहर में अक्सर जगह मुझे इजिप्ट वाइब आती है, अक्सर जगह मुझे लगता है कि मॉडर्न तरीन यूरोप का कोई इलाका है, लेकिन बहुत बहुत मिक्स है। आपको इसको कंज्यूम करने में समझने में बहुत, मुझे तो बहुत टाइम लग रहा है कि क्या है ये, पुराना ज़माना है या बिल्कुल नया ज़माना है। बाकू में फिर रहे हैं सुबह से, काफ़ी फिर रहे हैं, लेकिन दिल को भा नहीं रहा बाकू। जिस तरह होता है ना कि एक चीज़ आपको वाइब आती है कि यार ओ मैं कहाँ पे हूँ, बड़ी कोई मज़ेदार जगह। बाकू मुझे बिल्कुल भी, मेरी आगे कोई, मैंने 5 दिन का प्लान रखा हुआ था। अभी मैंने स्नैन को कहा यार मेरी फ़्लाइट जो है ना वो बस मैं जल्दी करवा रहा हूँ तो मैं आगे निकलता हूँ यहाँ से। मुझे वो एक होता है ना, आपको किसी चीज़ के साथ होता है कि हाँ ये जगह ऐसे ही है, बड़ा मुझे फ़ील हुआ कि ओवर हाइप्ड है बाकू। ऐसा तुम्हें नहीं फील हुआ? तो 1.5 महीना कैसे रुके हो तुम यार इस शहर में? तो नहीं है, अभी तो जाने दो मौलवी साहब, पता है तुमने फ्लैट बेचने इधर।